नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं माय एस क्लासेस। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं 26वें क्रिस्टल पुरस्कार के बारे में। तो आइए देखते हैं कौन है 2020 के 26वें क्रिस्टल पुरस्कार का विजेता तथा कौन सी संस्था इस पुरस्कार को प्रदान करती है तथा किन किन लोगों को इस पुरस्कार से 2020 में सम्मानित किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक और देखते हैं कौन है विजेता। दोस्तों 2020 का यह 26वां क्रिस्टल पुरस्कार है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष विश्व आर्थिक मंच द्वारा दिया जाता है। वर्ष 2020 का यह पुरस्कार वितरण 20 जनवरी 2020 को दाओस स्विट्जरलैंड की फोरम की 50वीं बैठक में दीपिका पादुकोण के अलावा तीन अन्य लोगों को भी प्रदान किया गया। आइए जानते हैं दीपिका पादुकोण को क्यों दिया गया यह पुरस्कार। दोस्तों आपको पता है बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका ऐसी एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार है जो न सिर्फ फिल्मों बल्कि समाज की बेहतरी के लिए भी हमेशा कुछ न कुछ करती रहती है। यही कारण है कि वर्ष 2020 का क्रिस्टल पुरस्कार दीपिका पादुकोण को भी प्रदान किया गया है। दीपिका पादुकोण को यह पुरस्कार मानसिक स्वास्थ्य के प्रति उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। आइए अब देखते हैं वे कौन चार लोग हैं जिन्हें 26वां क्रिस्टल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। पहला नाम है भारत की बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को मेंटल हेल्थ के बारे में जागरूकता फैलाने और इसका नेतृत्व करने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जबकि दूसरा नाम है शिकागो के कलाकार थियेस्टर गेट्स। तीसरे विजेता हैं चीन के कोरियोग्राफर जिन जिंग, जबकि चौथे हैं ऑस्ट्रेलियन कलाकार लिनेट वालवर्थ। इन सभी चार विजेताओं ने दुनिया में अपने तरीके से एक समावेशी और समाज में स्थायी बदलाव लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यही कारण है कि इन्हें क्रिस्टल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। अब ये जानते हैं कि दीपिका पादुकोण को पुरस्कृत करते वक्त WEF अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने क्या कोट किया था। दोस्तों दीपिका का नाम चयन किए जाने के बाद फोरम की ओर से कहा गया था कि वर्ष 2014 में दीपिका को अपने डिप्रेशन के बारे में पता चला। इसमें उसने छुटकारा पाने के लिए प्रोफेशनल मदद ली थी और उसके बाद उन्होंने 2015 में स्ट्रेस, टेंशन और डिप्रेशन का अनुभव करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आशा देने हेतु द लाइव लव लाफ फाउंडेशन की स्थापना की थी। चलते चलते अंत में एक और तथ्य को जान लेते हैं। वर्ष 2020 के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में इसका थीम क्या था। दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 के मीटिंग का थीम था स्टेक होल्डर फॉर कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। दोस्तों ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि क्रिस्टल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ। धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें व शेयर करें। साथ ही सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।